हेलो स्टूडेंट्स बेटा, पिछली क्लास में हम लोगों ने जैसा वो टॉपिक देख रहा है देख रहे हो कि आवेशित अचालक गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान ज्ञात किया था। तो हमने इसे तीन केस पढ़े, जब बिंदु P बाहर हैं, जब बिंदु P पृष्ठ पर है और जब बिंदु P अंदर है। तो आप लोग देख रहे हो कि जब बिंदु P अंदर हैं तो विद्युत विभव का जो फॉर्मूला है वो कितना है बेटा आपका, ठीक है ना? विद्युत विभव का जो फॉर्मूला है वो आपका आया कितना, V इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई 2 R³ 3 R² माइनस के स्मॉल R², ठीक है ना? फिर इसके लिए इसके बाद हमने एक स्पेशल केस भी किया था कि अगर बिंदु केंद्र पर हैं, तो जब हमने केंद्र पे किया था तो बेटा केंद्र के लिए R की वैल्यू क्या होगी। अगर हमने ये वाला केस भी किया था इसमें केंद्र पर, तो केंद्र पर R की वैल्यू 0 रखी थी, और R की वैल्यू 0 रखने पर जो केंद्र पर जो विद्युत विभव आया था वो आपका आया था बेटा कितना, 3/2 टाइम्स ऑफ के क्यू बाई कैपिटल R। बच्चों ये आया था अपना, और के क्यू बाई जो कैपिटल R है ये विद्युत विभव था कहाँ पर, गोले के पृष्ठ पर। तो हम लोगों ने क्या बोला था कि केंद्र पर जो विभव का मान होगा वो पृष्ठ के विभव से कितना गुना होगा, 3/2 टाइम्स ज़्यादा होगा। तो ये आपको सभी बच्चों को ध्यान रखना है कि केंद्र पर जो विभव होता है वो क्या होता है, पृष्ठ के विभव का 3/2 टाइम्स ज़्यादा होता है, ठीक है ना? तो बच्चों यहाँ तक कि हम सभी चीज़ें पढ़ चुके थे, है ना? तो अब इससे आगे हम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, है ना, कि ग्राफ कैसा होगा विभव और V और R के मध्य। फिर बच्चों हम ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं, तो ठीक है हम थोड़ा ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। अगर मैं ग्राफ की चर्चा करता हूँ बेटा, ग्राफ है किसके मध्य, ग्राफ V, ऐसे को V व स्मॉल R के मध्य ग्राफ, ठीक है बच्चों? हम ग्राफ की चर्चा करेंगे थोड़ा सा, इसका ग्राफ अच्छा है, इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो हमने पढ़ा जब स्मॉल R लेस देन किससे, कैपिटल R, ठीक है, तो विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या था बेटा, के क्यू अपॉन 2 R³ ब्रैकेट में 3 R² माइनस के स्मॉल R² बच्चों, ठीक है। जब स्मॉल R इक्वल है कैपिटल R के, तो V इक्वल है VS, विभव का मान कितना, जो पृष्ठ पर कितना, के क्यू बाई कैपिटल R था बच्चों। और जब बच्चों स्मॉल R बड़ा था किससे, कैपिटल R से, तो विद्युत, तो गोले के बाहर जो विद्युत विभव का फॉर्मूला था वो आपका था के क्यू बाई स्मॉल R। तो इसका मतलब V डायरेक्टली 1/R बच्चों, ठीक है बच्चों? अब इसका हमें ग्राफ बनाना है, तो बस ये मेन काम है इसका, ग्राफ कैसे बनेगा थोड़ा सा इसके बारे में हम विचार करते हैं बच्चों। तो एक चीज देखो, मैं ऐसा ग्राफ यहाँ पे बना रहा हूँ, हमने जो कंडीशन है वो यहाँ पे लिखी हुई है कि इस कंडीशन पर एक ग्राफ बनेगा बच्चों। तो मैं वाई अक्ष के अनुदिश बच्चों वी ले रहा हूं, और एक्स अक्ष के अनुदिश बच्चों स्मॉल आर ले रहा हूं। तो मैं कह रहा हूं कि ये पृष्ठ पर विभव वी एस है, जैसे आप सब लोग जानते हैं पृष्ठ पर विभव कितना वी एस, मैं कह रहा हूं ये वी एस की वैल्यू है। तो केंद्र पर विभव कितना होगा बच्चों, केंद्र पर जो विभव है वो 1 पॉइंट या 3/2 टाइम्स था वी एस का, तो वी एस ये 1/2 टाइम, तो मतलब यहां से शुरुआत होगी क्योंकि केंद्र पर आर की वैल्यू 0 है, तो इस पॉइंट विभव इतना होगा। अब इसका ग्राफ कैसा होगा बच्चों, यही थोड़ा सा इसमें मेन रोल है।
तो आप देख रहे हो ग्राफ की जो इक्वेशन है वो इस तरह की है बच्चों। अगर मैं आपसे ये कहूं कि y इक्वल है 4a या y, जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़ी है ठीक बच्चों, तो अगर मैं जैसे आपकी पैराबोला, अब जैसे आप अगर देखो तो यहाँ पे ग्राफ किस किस के मध्य बच्चों, ग्राफ है v के मध्य और स्मॉल r के मध्य बच्चों। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो v की मैक्सिमम पावर कितनी बच्चों, मैक्सिमम पावर ऑफ v ठीक है बच्चों, मैक्सिमम पावर जो है v की वो 1 है ठीक है। और दूसरा किसके मध्य ग्राफ बच्चों, स्मॉल r के मध्य, और स्मॉल जो r है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 2 ठीक है। तो जिसके मध्य आपका ग्राफ बनना बच्चों v और r के मध्य, उनमें v की पावर 1 है और स्मॉल r की पावर आपकी 2 है। तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि जो ये ग्राफ है ये क्वाड्रेटिक होगा, द्विघात समीकरण है। ये कैसा समीकरण आपका, द्विघात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण है बेटा, है ना। आप देख रहे हो कि जिस जिसके मध्य ग्राफ बनाना v और r के मध्य, ये द्विघात समीकरण है ठीक है ना। तो इसलिए ग्राफ कैसा होगा बेटा, इसलिए ग्राफ कैसा होगा, द्विघात समीकरण कैसे ग्राफ को प्रदर्शित करता है, परवलयकार को। तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा इस समीकरण का, वो परवलयकार होगा ठीक है बच्चों। अब परवलयकार में किस तरह का होगा, जैसे आपने कुछ ग्राफ की स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ी हुई है y इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax बच्चों, इसी वाला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो इसका ग्राफ क्या जाना बेटा, जिसके जिधर पावर 1 होती है ठीक है, इधर पावर कितनी है 1, इधर है x के अलोंग, तो इधर और ये स्टैंडर्ड ग्राफ जो ओरिजिन से चालू होता है इस तरह का, इस ग्राफ इस तरह का होता है, आप सब लोग जानते हैं वाई स्क्वायर इक्वल 4ax। अगर यहाँ पे प्लस 4ax है और अगर माइनस 4ax है तो जो x की पावर क्या होगी, माइनस 1। तो ये ग्राफ किस तरह का बेटा आएगा, इस तरह का, माइनस एक्स ये। अगर यहाँ पर मैं यही ग्राफ में बच्चों किसके लिए बोलता, अगर मैं आपसे कहता वाई स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी आपका ग्राफ ये होता एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो बच्चों यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है, y है, y का लॉन्ग है, तो ग्राफ किसके अलॉन्ग, जिसके अलॉन्ग पावर 1 होती है उसके अलॉन्ग ग्राफ बनता है इस तरह का। तो इस तरह का मतलब प्लस, क्योंकि प्लस है, और अगर ये माइनस है तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है ठीक है। आप थोड़ा सा इसके परिचित होंगे ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ग्राफ है वो वी और आर के मध्य, तो ये सब चीज़ कॉन्स्टेंट हो गई। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो वी इक्वल टू इस पूरी टर्म को कॉन्स्टेंट सी नाम दे दो, सी, और ये भी कोई कांस्टेंट है, इसको नाम दे दो ए स्क्वायर माइनस के स्मॉल आर स्क्वायर। देखो बच्चों ये वाला ग्राफ अपना ठीक है ना। अब देखो अगर, अब यहाँ पे ये ग्राफ कैसा होता, अगर कास ए स्क्वायर टू नहीं होता तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, अगर कास ए स्क्वायर टू नहीं होता, अगर ये ए स्क्वायर नहीं होता तो ये ग्राफ v इक्वल टू माइनस सी आर स्क्वायर होता। तो इस माइनस को उधर ले आते हैं, क्योंकि जो चिन्ह रखते हैं वो उधर रखते हैं जिधर पावर माइनस, जिधर पावर 1 हो। तो पावर v की पावर 1 है और r की पावर बच्चों क्या 2 है, तो माइनस चिन्ह को हम इधर ले जाएंगे तो माइनस v इक्वल टू क्या होता, सी आर स्क्वायर होता। तो इसका ग्राफ किसके अलोंग होता, नेगेटिव वाई अक्ष के अनुदिश होता। और नेगेटिव वाई अक्ष के अनुदिश, जैसे अगर मैं कहता हूं कि ये लाइन आपकी v है और ये आपकी R है बच्चों ठीक है, ये आपकी V है और ये आपकी R है, तो ये अगर V है और ये आपकी R है तो नेगेटिव Y अक्ष, नेगेटिव V अक्ष, क्योंकि माइनस V इक्वल टू सी आर स्क्वायर आ रहा बच्चों ठीक है, माइनस V इक्वल टू सी आर स्क्वायर आ रहा है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ से ठीक है ना, माइनस V इक्वल टू क्या आ रहा बच्चों, सी आर स्क्वायर। तो इसलिए अगर माइनस वी इक्वल टू सी आर स्क्वायर आ रहा है बच्चों, तो यहाँ पर माइनस वी के अलोंग ग्राफ बनेगा, तो नेगेटिव वी अक्ष ये है, तो ग्राफ कैसा होता, इस तरह का होता बच्चों ठीक है। अब देखो आर तो अपनी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए ये लाइन इधर तो जा नहीं सकती, तो इसलिए ऐसा वाला ग्राफ आता। क्लियर बच्चों, कब आता है ऐसा ग्राफ, इस तरह का ग्राफ कब आता है बच्चों, जब ठीक है माइनस वी इक्वल टू सी आर स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर नहीं होता, बट यहाँ पर तो ए स्क्वायर है, तो इसका मतलब जो इस ग्राफ की शुरुआत होगी वो ओरिजिन से ग्राफ तो बनेगा, तो इस तरह का ग्राफ, क्योंकि आप देख रहे हो नेगेटिव ऐसे ग्राफ बनेगा, क्योंकि आर नेगेटिव ही होगा, ग्राफ बनेगा तो इसी तरह का ग्राफ बनेगा,
बट इसकी शुरुआत अब क्योंकि ए स्क्वायर नहीं होता तो ग्राफ ऐसा होता, बट ए स्क्वायर तो है इसमें, जैसे आप देख रहे हो इस वाली फॉर्म को मैंने इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो यहां पे 3r² तो है, तो इसलिए ग्राफ कहां से शुरुआत होगा, इस ग्राफ की शुरुआत कुछ पॉजिटिव वैल्यू से होगी, कुछ ए स्क्वायर मतलब कुछ पॉजिटिव वैल्यू से, और आप देख रहे हो कि इस ग्राफ की शुरुआत कहां से होती है, केंद्र से, और केंद्र वैल्यू कितनी है ये वाली 1.5 टाइम्स ऑफ वी एस, तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ है कुछ ए से स्टार्ट होगा, कुछ ए कहां पर होगा पॉजिटिव ए से, कुछ यहां से स्टार्ट होगा, और ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा बच्चों, आया नहीं आया, तो वही चीज यहां पर देखो बच्चों, तो इसलिए आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा कि इस ग्राफ जो ग्राफ होगा ये कुछ इस तरह की शेप का होगा, ऐसा कुछ शेप का होगा, और इसकी शुरुआत कहां से होगी, कुछ पॉजिटिव वैल्यू से, और वैसे आपको बताया कि आर इक्वल टू जीरो पर केंद्र पर विद्युत विभव कितना होता बच्चों, केंद्र पर विद्युत विभव 1.5 गुना होता किसके, पृष्ठ के विभव का 1.5 गुना होता, ये सब आप बच्चों जानते हो, ठीक है ना, तो इसलिए क्योंकि जो विभव का मान है 1.5 गुना होगा किसके, पृष्ठ का, इसलिए ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, और बेटा ऐसा ग्राफ इस तरह का ग्राफ कब तक चलेगा, जब तक बिंदु अंदर है, ठीक है, तो अंदर मतलब जब स्मॉल आर, जब तक स्मॉल आर छोटा है किससे, लेस देन, तो स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है तब तक ये शेप बनेगी, तो इसका मतलब बच्चों ऐसी शेप आएगी, और यहाँ केंद्र पर आके पृष्ठ पर आगे विभव कितना हो जाएगा बच्चों, केंद्र पृष्ठ पर आगे विभव वीएस हो जाएगा, तो इसलिए ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा यहां से यहां तक बच्चों, कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि पृष्ठ पर ऐसा हो गया बच्चों, है ना, अब उसके बाद बच्चों क्या है, उसके बाद पृष्ठ पर विभव कितना वीएस है जो आपका ये आ गया, और उसके बाद क्या होगा बच्चों, उसके बाद बाहर अगर हम देखते हैं बाहर क्या है विभव बच्चों, बाहर विभव वी डायरेक्टली 1/r है, तो आप होता है जब वी डायरेक्टली 1/r है तो इसके लिए ग्राफ आप लोगों ने कई बार बनाया हुआ है, तो इसे ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, इसे ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा 1/r के लिए बच्चों, इस तरह का ग्राफ बनेगा, है ना, ये वी डायरेक्टली 1/r के लिए है, तो बच्चों आप देख रहे हो इस पॉइंट पर आके ग्राफ की जो शेप है वो चेंज हो रही है, यहां से ग्राफ ऐसे आ रहा है और जस्ट इस पॉइंट के बाद ग्राफ की क्वेली क्या, और ग्राफ का शेप कैसे हो गया, ऐसे हो गया, तो ऐसे पॉइंट जहां पर ग्राफ की शेप क्या होती है चेंज, मान लीजिए पॉइंट कोई पी है, इस पॉइंट पी के कोरस्पॉन्डिंग ग्राफ की क्या हो रही है बच्चों, शेप चेंज हो रही है, तो ऐसे पॉइंट जिसके संगत क्या होती है ग्राफ की शेप चेंज होती है, ऐसे पॉइंट पर ढाल नियत होती है, मतलब लगभग ये लाइन स्ट्रेट लाइन होती है, और ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं बच्चों क्या, नति परिवर्तन बिंदु, इसका डिस्कशन मैग्नेटिक्स में भी होगा, ऐसे ही एक ग्राफ आप वहां पर भी देखोगे कि यहां से यहां तक ग्राफ की शेप, यहां से यहां तक ग्राफ की इक्वेशन ये वाली है, ठीक है ये वाली है बच्चों, और इस बाहर ग्राफ की इक्वेशन ये वाली है, तो इसलिए ग्राफ की इक्वेशन चेंज होने का, ग्राफ की क्या हो रही है बच्चों, सेम शेप चेंज हो रही है, आकार चेंज हो रही है, तो ऐसा पॉइंट जिस पर क्या होता बच्चों ग्राफ की शेप चेंज होती बच्चों, ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे पॉइंट बच्चों हम नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं, तो ये आपका किसके मध्य ग्राफ बच्चों, वी और स्मॉल आर के मध्य ग्राफ है, किसके लिए, अचालक गोले के कारण विद्युत विभव और दूरी स्मॉल आर के मध्य ग्राफ है बच्चों, ठीक है, तो ये ग्राफ आप अच्छे तरीके से नोट कीजिए, आपको मैंने सारा रीजन बता दिया है कि इस प्रकार ग्राफ क्यों बना बच्चों, क्लियर, तो ये सारा कुछ नोट करो, यहां तक की सभी चीजें अच्छे तरीके से आपको नोट्स में दिए हुए हैं, अब हम बस ये टॉपिक, ये चैप्टर आपका कंप्लीट सा हो गया है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, अब देखो कभी कभी बच्चों इस पर क्वेश्चन आ जाता है इस तरीके से, क्वेश्चन इस तरीके से आता है, एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं इस पर आधारित, कुछ इस तरह का आपसे कहा गया बच्चों, एक अचालक गोला है, ठीक है, अचालक गोला जब आवेश देंगे तो आवेश का वितरण आयतन के अनुसार एक समान करेंगे बच्चों हम, ठीक है, तो इसमें आवेश का वितरण आयतन के अनुसार क्या है बच्चों, एक समान है, ठीक है, एक अचालक गोला है जिसकी त्रिज्या आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है बच्चों, और इसके पृष्ठ पर विभव बच्चों 10 वोल्ट हैं, तो हमसे कहा गया है पहला पॉइंट, गोले के केंद्र पर विभव
ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, पहला पॉइंट तो ये कहा गया। दूसरा पॉइंट बच्चों, केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूरी पर विभव ज्ञात करो बच्चों, विभव ज्ञात करो। तीसरा क्वेश्चन बच्चों हमसे कहा गया है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर विभव ज्ञात करो। ठीक बच्चों, तो ये तीन क्वेश्चन हम लोगों को दिए हुए हैं कि गोले के केंद्र पर विभव बताओ, गोले के केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूरी पर विभव बताओ, और गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर विभव बताओ। बेटा इस तरह का क्वेश्चन आप फिर आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय जो आपका फॉर्मूला था मेन ध्यान रखना है, आपको पता है कि अंदर वी अंदर कितना होता है, के क्यू अपॉन टू आर क्यू ब्रैकेट में 3 r² माइनस के स्मॉल r² बच्चों। ये आपको फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। वैसे अंदर बहुत कम चांस है पूछने के आपसे, वैसे मैंने तीसरा वाला दे दिया, ये बहुत कम चांस है आपसे, ये वाला और ये वाला ही पूछा जाएगा, इसके बहुत कम चांस है। ठीक, चलो फिर भी हम इसे कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा। अब देखो, गोले के केंद्र पर आपको सरफेस पृष्ठ पर विभव दिया है, तो आप बताए गोले के पृष्ठ पर विभव क्या होता है। वी एस इक्वल होता है आपका के क्यू बाई कैपिटल आर बच्चों, आप सब जानते हो गोले के पृष्ठ पर विभव क्या होता है, वी एस इक्वल टू के क्यू बाई कैपिटल आर। ये आपको दिया हुआ कितना, 10 वोल्ट। तो आप वो के क्यू बाई कैपिटल आर की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अब आपको बता केंद्र पर क्या होता बच्चों, अगर मैं केंद्र पर निकालू, केंद्र पर जो विभव होता है वी केंद्र, वो होता है 3/2 टाइम्स ऑफ वी एस। ये बिल्कुल पता होना चाहिए, रटा होना चाहिए बिल्कुल, कि अचालक गोले के केंद्र पर विद्युत विभव का मान 3/2 टाइम्स होता किसका, पृष्ठ के विभव का बच्चों, बिल्कुल याद होना चाहिए आपको, 3/2 टाइम्स ऑफ वी एस। तो इसलिए वी केंद्र कितना आ जाएगा बच्चों आपका, वी केंद्र कितना आएगा आपका, वी केंद्र आ जाएगा 3/2 टाइम, जो वी एस कितना बच्चों आपका, वी एस है 10 वोल्ट, तो आपका ये आ गया 15 वोल्ट। तो पहला तो अपना जो केंद्र पर है वो अपना सॉल्व हो गया, दूसरा 15 सेंटीमीटर दूरी पर। बच्चों यहां से आप के क्यू का मान निकाल सकते हो, जैसे आपको बताया सेकेंड देखो बाहर वाला जो हम करेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको बताया के क्यू डिवाइड बाई कैपिटल आर है 10, तो के क्यू की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, के क्यू की जो वैल्यू हो गई यहां से वो गई 10 r के इक्वल, क्लियर। और आपको बता विभव की जो फॉर्मूला है कि गोले के बाहर 15 सेंटीमीटर वाला जो पॉइंट है, क्योंकि गोले की त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर वाला जो पॉइंट है बच्चों वो कहां पर होगा, वो गोले के बाहर ही होगा। तो इसका मतलब हमें विभव कहां निकालना है, गोले के बाहर निकालना है, और गोले के बाहर वी बाहर बच्चों क्या होता है, वी बाहर कितना होता है 3/ कितना होता है के क्यू बाई स्मॉल आर बच्चों, बोलो होता नहीं होता। तो जब इतना होता है तो आप क्या करोगे, के क्यू की वैल्यू कितनी बच्चों, 10 r डिवाइड बाई स्मॉल r, ये आ गया बाहर। अब आपसे बच्चों कहां पूछा, बस वैल्यू रख दो वी बाहर, तो वी बाहर क्या आएगा बच्चों, 10 बच्चों कैपिटल आर कितना आपका 10, और बच्चों स्मॉल आर कहां पे पूछा आपको, 15 सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर बच्चों, इसलिए मात्रक को लेकर को आपको चिंतित नहीं होना। तो ये वोल्ट में, तो सेंटीमीटर ने सेंटीमीटर मार दिया, और 5 से 3 बार और 5 से 2 बार बच्चों, तो ये आ गया 20/3 वोल्ट बच्चों, क्लियर। बाहर भी निकाल ली बच्चों हमने, अब हमें निकालना अंदर, तो अंदर हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है, अंदर का ये फॉर्मूला है। तो आपको बता बच्चों इसको हम दो टुकड़ों को तोड़ देते हैं, ऐसे के क्यू बाई आर गुना में 1/2 r² बच्चों, के क्यू बाई कैपिटल आर बच्चों गुना में 1/2 r² 2 r³ को बच्चों मैंने इस तरह लिख दिया, और यहां पे क्या आएगा बच्चों 3 r² माइनस स्मॉल r² बच्चों,
तो देखो ये बच्चों, ये वाली जो वैल्यू ये आपको दी हुई है सर, पृष्ठ पर विभव। पृष्ठ विभव कितना दिया हुआ आपको बच्चों? देखो पृष्ठ पर विभव आपको दिया हुआ कितना, 10 वोल्ट। मात्रा को लेके बिल्कुल चिंतित होने की जरूरत नहीं है, ये विभव है वी एस है 10 वोल्ट। देखो ऊपर भी आर स्क्वायर नीचे भी आर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मात्रा को लेकर चिंता कोई बात नहीं है। यहाँ पे 2r² वैल्यू कितनी बच्चों? 10 का स्क्वायर। मात्रा को टेंशन मत लो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऊपर भी सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा नीचे भी सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। 3r की वैल्यू कितनी बच्चों? 10 का स्क्वायर। और माइनस के r की कितने में निकालना? 5 का स्क्वायर बच्चों। बस जस्ट कैलकुलेशन है, सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और इस कैलकुलेशन को आप करोगे और आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस अचालक गोले के पर आधारित कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर आकर बच्चों आपका विद्युत विभव का पोर्शन कंप्लीट होता है स्कूल के अकॉर्डिंग। अगर कुछ प्रॉब्लम्स होंगी तो मैं आपको कोई वीडियो में और सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर को बच्चों कंप्लीट करेंगे। अब हम इससे आगे नया चैप्टर नई वीडियो में पढ़ेंगे, और वो है आपका कैपेसिटर विद्युत संधारित्र वाला चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो आपके रे ऑप्टिक्स और पहले 3 चैप्टर बड़े बड़े ठीक है हम लोगों ने करा दिए हैं। अगला चैप्टर हम संधारित्र के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों, बाय।